साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस समय बुरी लगती हैं लेकिन भविष्य में इतिहास में भी दर्ज करा सकती हैं। एक प्रश्न है आपसे कि अगर आपकी साइकिल चोरी हो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, कार चोरी हो जाए, कुछ चोरी हो जाए तो इससे कोई लाभ हो सकता है? आप कहेंगे ये कौन सा प्रश्न है कि तो चोरी हो गई, ऊपर से ये फायदे की बात कर रहे हैं, तो महामूर्ख आदमी है संतोष था। चलिए कोई बात नहीं, आते घटना पर। आपकी बहुत पहले की बात है, एक बालक था, जैसे हम आप भी कभी बालक रहे होंगे। बचपन में अगर एक साइकिल नहीं मिल जाती थी तो कितनी खुशी होती थी, मानो सब कुछ मिल गया। साइकिल क्या, उसको हवाई जहाज की सवारी समझ लीजिए। और बेरोजगारी के दौर में हमने आपने साइकिल के सहारे कितना सफ़र तय किया होगा। तो मैं बात कर रहा था एक बच्चे की, क्या कहते हैं कि उसने जो है एक साइकिल ली पापा से कह के। पापा भी बहुत पेंटिंग वगैरह काम करते थे, बहुत रिच नहीं थे, लेकिन जो है दिला दी बच्चे के शौक़ के आगे। हम लोग भी खुद कुछ भी ले या ना ले, अपने शौक़ भले ही मान ले, लेकिन बच्चे का पूरा करते हैं। हर दिन रात वो बालक जो है साइकिल लेकर जहाँ जाए और ढूंढता। साइकिल क्या, उसकी आत्मा हो गई थी, और बच्चों को क्या चाहिए। खैर, दिन मजे से गुजर रहे थे, तो कोई दुख नहीं था। एक दिन साइकिल लेकर गया था सामान लेने, खैर दुकान पर गया, उसने सामान लिया और अच्छे से, उसके बाद लौटा। भाई साइकिल खड़ी करके ही गया था, लौटा। अब वो देख क्या रहा है, भाई साइकिलें यहाँ पे खड़ी थी। फिर चेक किया, यहीं खड़ी की थी, कहीं दूसरी जगह खड़ा की थी। डाउट भी हो रहा है अपने ऊपर, लेकिन काफ़ी देर तक उसने देखा इधर उधर, जहाँ भी देख सकता था। समझ नहीं आया उसको क्या करूं, साइकिल जो उसकी आत्मा थी, क्या करे बेचारा। समझ चुका था कि उसकी साइकिल किसी ने मार दी है, चोरी कर ली है। गुस्से से बिल्कुल पागल इधर उधर घूम रहा है कि काश वो मिल जाए जिसने मेरे साइकिल चोरी की है, मार डालूँगा उसको, चाहे कुछ हो जाए मार डालूँगा। और कोई ऐसी बात, खैर अब चोरी हो गई तो हो गई, वो कहाँ कोई भी कुछ चोरी कर लेता, वापस देने आने से रहा। अब यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट होता है। वो गया एक पुलिस वाले के पास शिकायत करने कि भैया मेरी साइकिल चोरी हो गई है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे मार डालूगा, मुझे वो आदमी चाहिए। अब देखिए काउंसलर का जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमारे आपके भी जीवन में बहुत से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन अगर सही समय काउंसलिंग मिल जाए तो सुसाइड नहीं करने वाले। उस व्यक्ति ने जो पुलिस विभाग में था और कुछ गेम्स वगैरह भी टीचर था गेम्स का, उसने कहा कि ठीक है तुम चोर को मारना चाहते हो, बिल्कुल मारो, चोर पकड़ में भी आ जाएगा, लेकिन मारोगे कैसे? उसने कहा मारेंगे कैसे कि क्या मतलब, हाथ पैर से मारेंगे और कैसे मारेंगे। फिर उसने इस बालक से कहा अरे उसकी कायदे से पिटाई करनी है ना, तो तुम मुक्केबाजी सीख लो तब पिटाई करना, तभी तो बढ़िया से सजा दे पाओगे, ऐसे कैसे सजा दे पाओगे उसको। अच्छा ये बात इस बालक को समझ में आ गई कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं कि चलो बॉक्सिंग सीख लें। कहने लगे बॉक्सिंग कौन सिखाएगा,
उसने कहा मैं सिखाऊँ। तो एक शुरुआत थी एक बालक की, और उसने भी अच्छा जुनून बढ़ा हुआ था। अब वही जो अंदर एनर्जी और जुनून हमारे अंदर होता है जो बर्बाद होता है, उस बालक के भरा हुआ था, उसे सीखना चालू किया। अच्छा सीखना चालू किया चूँकि वो जुनून जो है, जैसे कूड़े से बिजली बनती है, तो निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफार्म हो गई। साथियों क्या कहना चाहेंगे, बड़े होकर होते होते यात्रा के अंतिम सफर तक ये बालक कौन बना, क्या गेस कर सकते हैं? यही बालक जो था बड़े होकर सदी का सबसे महान एथलीट मोहम्मद अली के नाम से विख्यात हुआ।